त्वेषा बोधधारा विघटित निखिलाकार संस्कार कारा स्वच्छंदम दंडवनि प्रतिपदवरुणा कामनव्यञ्जयामः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभः मुखपद्मा। ऋषि के दो नाम हैं, एक तो पद्मा और एक हरिशयनी। मानधाता का जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर एक चक्र एक छत्र साम्राज्य था, उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। सब प्रजा बड़े कष्ट में पड़ गई। उन्होंने देवाराधन किया और बड़े बड़े देवता ऋषि उनके पास आए कि आपके राज्य में एक अधिकारी तपस्या कर रहा है, सूत्र है, उसको आप मार डालिए तो आपके राज्य में वर्षा होगी। मानधाता ने कहा कि चाहे मैं मर जाऊं परंतु मैं सूत्र को मारूंगा, राज्य पर जो कष्ट है उसको दूर करने के लिए आप दूसरा कोई उपाय बताइए, मैं एक सूत्र की हत्या करके अपने को सफल मनोरथ नहीं बनाना था। इससे ऋषि और देवता उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी पद्मा एकादशी, इसका तुम व्रत करो और इस दिन भगवान की आराधना करो तो वर्षा हो जाएगी और सारी प्रजा सुखी हो जाएगी। तो पद्मवर्षिणी भगवती लक्ष्मी की विशेष कृपा का दिन होने के कारण आज की एकादशी को पद्मा एकादशी को। हरिशयनी का अर्थ है कि लोग भगवान से हमेशा कुछ न कुछ काम लेते रहे, उधर उसने पुकारा उधर उसने पुकारा, तो भगवान आराम से सो नहीं जा रहे। तो अपने हृदय की शेष संज्ञा माने होता है सबको, सब विषयों को बाहर कर देने पर, सबका निषेध कर देने पर जो शेष रह जाता है उसका नाम होता है शेष। कारण वारी भगवान को वहां ले जाकर सुनाओ जहां कोई विषय नहीं, जहां कोई संबंध नहीं, जहां कोई वृत्ति नहीं, जहां कोई अवस्था नहीं, वहां भगवान को ले जाकर शयन कराओ, शयनोत्सव मनाते। अब हम अपने हृदय में भगवान से कोई काम लेने का संकल्प नहीं करेंगे, इनको आनंद से शयन करने देंगे। नहीं तो हे भगवान गर्मी मत डालो, हे भगवान सर्दी मत डालो, हे भगवान वर्षा मत करो। लोग अपनी अपनी सुना के, अपने अपने मन की सुना के भगवान को सोने नहीं देते, थोड़ी देर तक भगवान को अपने हृदय में विश्राम दो, इसके लिए ये हरिशयनी एकादशी मनाते हैं। और इसमें चातुर्मास के व्रत प्रारंभ किया जाता है।
आज हरिशयनी से लेकर कार्तिक शुक्ल उत्थान एकादशी के तक अमुक चीज खाना, अमुक चीज नहीं खाना, कोई एक समय भोजन का व्रत लेते हैं, कोई दान करने का व्रत लेते हैं, कोई पूजा करने का व्रत लेते हैं, अपने जीवन में कोई नियम धारण करते हैं। सन्यासी लोग चातुर्मास से करते हैं, वानप्रस्थ लोग चातुर्मास से याद करते हैं, गृहस्थ लोग व्रत नियम लेते हैं। तो आज का बड़ा पवित्र दिन चातुर्मास के प्रारंभ का दिन है। अब आप लोगों को थोड़ी सी बात विश्वास की सुनाते हैं। भौतिकता का जो है, लोग बाहर की चीजों को देखते हैं, उनके गुण को समझते हैं। लेबोरेटरी और मशीन की प्रधानता है। ईश्वर को भी सिद्ध करना हो तो उसी में जांच करेंगे, लेकिन ईश्वर एक बहुत ठोस सच्ची वस्तु है और उस पर जो विश्वास है, उसकी जो प्रार्थना है, वो जीवन के लिए एक बहुत बड़ी वस्तु है। आपको एक घटना सुनाता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य था, कलकत्ते में एक बहुत बड़ा अस्पताल बना। उसमें हमारे एक मारवाड़ी सेठ, जिनकी परंपरा अभी तक चालू है, उनके पांव में कुछ ऐसा रोग हो गया कि हॉस्पिटल में ये निश्चय किया गया कि अभी काट दिया जाएगा, चांद तक उनका पांव काट के निकाल दिया जाएगा, तब उनका रोग दूर होगा। उनके घर के लोग आए, उनसे लिखवा पढ़वा लिया गया, उनकी भी स्वीकृति दे दी गई। ये निश्चय हो गया तब उनको जैसे खिला पिला के शुद्ध करना, तब पहले की प्रक्रिया पूरी हो गई। ये हुआ कि कल इनका ऑपरेशन होगा। जब रात को सब लोग सो गए तो सेठ को रोना आ गया और उसने भगवान का चित्र अपने हृदय से हटाया और जो करुणा का रोदन उसके प्रकट हुआ, सच्ची रुलाई आई, झूठी नहीं। बच्चे तो झूठ मूठ पांव पीटते हैं ना, और वो करते हैं कि हमको मिठाई मिल जाएगी, तो वो उनका नखरा होता है, ढोंग होता है। ऐसे जो लोग भगवान के सामने रोते पीटते हैं, उनकी तो भगवान समझते हैं। उस सेठ के हृदय में सच्चाई से रोदन आया और चित्र हृदय से लगा के घर आंसू जब गिरने लगा तो उसको बेहोशी आ गई। बेहोशी में उसके सामने भगवान प्रकट हुए और उसके शरीर पर भगवान ने अपना हाथ उसको अपना रखा और कह दिया कि जा, अच्छा हो गया। स्वप्न टूटा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनको कैसा स्वप्न आया, और उसको जो पीड़ा थी शरीर में वो नहीं। उसने अपना हाथ पांव चलाया फिराया, देखा कुछ नहीं, तो अपने साथ वाला आदमी को जगाए बिना वो बात को चलाया। हालांकि उठ नहीं सकता था, अपने सहारे उठ नहीं सकता था, चुपचाप उठा, बाथरूम में गया, लौट के आया, देखा मैं जाग रहा हूं और चल फिर रहा हूं, ये क्या हुआ, मेरे रोग को क्या हुआ। उसने सोचा कि कल डॉक्टर लोग आएंगे तो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और हमारा पांव काटे बिना ये मानेंगे नहीं, क्योंकि ये तो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, नशे पर विश्वास करते हैं। इनका विश्वास है तो नशा पर तो है, ईश्वर पर नहीं। उसने चल करके अपने को खूब देख लिया, संभाल लिया,
फिर चुपके से आँख बचा के, अब किसी को ये ख्याल तो हो ही नहीं सकता था कि वो रोगी यहाँ से उठ के कहीं चला जाए। वो चुपके से सड़क पर आया और पैदल चल के अपनी कोठी पर आ गया। सवेरे हुई खोज कि रोगी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये गणनाथ सेन के जमाने की बात है। सवेरे उसने 8 बजे हॉस्पिटल में टेलीफोन कर दिया कि मैं बिल्कुल अपने घर में आ गया हूँ और स्वस्थ हूँ, आप लोग मेरी खोज पूछ ज्यादा मत कीजिए। तो डॉक्टरों को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा डर के मारे भाग गया होगा। उसने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर वालों ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर लोग उसके घर पर आए, परीक्षा की गई तो उसके पाँव में कोई रोग नहीं। भगवान की प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। उसके प्रति अनास्था का उदय होना ये मनुष्य का दुर्भाग्य है और दुस्संग का परिणाम है। जैसा संग मिलता है वैसा रंग चढ़ जाता है। अब एक तो अपनी बात आपको सुना, हमको 3 दिन से बुखार चढ़ा हुआ, खाया पिया नहीं था। पहले आयुर्वेद के भाई वहाँ डॉक्टर तो कोई था नहीं, वैद्य लोग होते थे तो बुखार आने पर भोजन बंद करते थे। ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम ज्वरमध्ये दुपाचनम ज्वरांते रेचनंद्य त्रिविधम ज्वर भेषजम, ज्वर के प्रारंभ में उपवास, मध्य में पाचन और अंत में रेचन। मैं तो 3 दिन ऐसे ही रहा। फिर हमको ख्याल आया कि रात को कि आज सुबह ग्रहण है, ग्रहण के दिन तो काशी में स्नान करना चाहिए। मैं बिल्कुल बुखार में से अपने उसी पलंग पर से उठा और हमारे गांव से कोई सड़क के रास्ते तो 35 मील है लेकिन पैदल के रास्ते 20 ही मील है। मैं पैदल चल के अपने घर से काशी पहुंचा, जाके गंगा स्नान किया सूर्य ग्रहण में और जब ग्रहण बीत गया तो दुकान पर बैठ के पूरी मिठाई खाई और बुखार राम का तो फिर पता ही नहीं चला, वो तो चले ही गए। एक मानसिक कमजोरी मन में बहुत बड़ी होती है। एक बार हमको बुखार आया तो हमारे साथ चक्रजी थे, उन्होंने उठा के तप में हमको बैठा दिया। बेहोश हो गया था मैं, पित्त की हुई कह हो गया बेहोश, तो उन्होंने टब में बैठा दिया। टब में मैंने देखा कि ये मृत्यु आई है, बुढ़िया हो बाल बिखेरे और हाथ में तलवार दिए और हमको मारने को आई है। इसी बीच में हनुमान जी लेके वो गदा कूद पड़े और मार मार के उसको भगा दिया। वो हमारा जो बुखार था कई दिनों का, मैं बेहोश था। उसके बाद हम समझते हैं कि बहुत बरसों तक बुखार नहीं आया। आप लोग देवता की शक्ति पर, प्रार्थना पर, नियम पर भरोसा करें, जो विश्वास नहीं करते हैं, ये भौतिकता का प्रभाव है। इतना संग बिगड़ा कि हमारी अध्यात्म विद्या भी जब विदेश से लौट के आती है तो लोग कहते हैं कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, अंग्रेज लोगों ने भी इसको पसंद किया है। हालांकि अनेकता की विद्या बिल्कुल अलग है और एकता की विद्या बिल्कुल अलग है। एकता की विद्या शाश्वत है, ये निवृत्ति परायण आत्मा की विद्या है और संसार की जो विद्या है वो प्रवृत्ति की, अनेकता की, विस्तार की विद्या है और अध्यात्म विद्या संक्षेप की विद्या है। इस विद्या का ये नियम था कि जाकर किसी को उपदेश न किया जाए, ये प्रचार करने की विद्या नहीं थी, जाकर उपदेश न किया जाए। ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर एक बार किसी महात्मा के पास जंगल में सुंदरवन में बहुत बड़ी यात्रा करके गए और उनसे प्रश्नोत्तर किए।
ऐसा बढ़िया उत्तर दिया महात्मा ने कि ठाकुर मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, महाराज आप जंगल में बैठे हैं, चलो हमारे शहर में, वहां आपसे बहुत लोग लाभ उठाएंगे। महात्मा ने कहा, देखो भाई, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास। जिनको अध्यात्म विद्या की जिज्ञासा होगी, सचमुच उसके अनुभव की जानने की इच्छा होगी, वो हमारे पास आवे। तो अध्यात्म विद्या अधिकारी के लिए, क्योंकि एक आत्मा की विद्या है, ये ज्ञान की विद्या है, इसलिए जो इसका जिज्ञासु होता है उसके पल्ले तो ये पड़ती है, और जिसके मन में इसकी जिज्ञासा नहीं है, जिसके मन में इसकी प्यास नहीं है, वो लाख पुस्तक पढ़े, लाख व्याख्यान सुने, और लाख पुस्तक लिखे और लाख व्याख्यान दे, उसके अनुभव में ये आने वाली विद्या नहीं है। ये किसी भाषा में कैद नहीं है, किसी भाषा में अब तक उतरी नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि किसी की भाषा में उतर के कभी ये जूठी हुई नहीं है। ये बिल्कुल अनुच्छिष्ट विद्या है और परमात्मा विषयक विद्या है। ये जिस गीता की चर्चा हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, अष्टादशाध्यायिनी, इसमें 18 अध्याय हैं, 18 पर्व महाभारत में हैं, और 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ है, 18 अक्षौहिणी सेना रही है। उनकी व्याख्या में 18 पुराण लिखे गए हैं। अंत सूक्ष्म शरीर के 17 तत्व और एक जीवात्मा, इनको मिलाकर ये 18 शब्द बनता है। गीता में भी 18 अध्याय हैं और इनकी व्याख्या भागवत के 18,000 श्लोकों में है। ये 18वां अध्याय गीता का सार सार संग्रह है, भगवान की वाणी। ऐसा नहीं है जो चाहे सो गीता बोल दे, एक गीता लिख दे, कम से कम 100 तरह की गीता, 100 गीता, गणेश गीता, शिव गीता, दुर्गा गीता, सूर्य गीता, ईश गीता, गुरु गीता, अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता, सनत सुजात गीता, मैंने कम से कम 100 तरह की गीता तो जरूर पढ़ी होगी, नहीं आंखों से देख के। भगवान की वाणी दूसरी चीज है, भगवान की वाणी की पहचान है कि उसमें सबके लिए सत जीवन की प्रेरणा हो, सबका शरीर ठीक रहे, सबको अन्न मिले खाने को, सबको निवास स्थान मिले, सबको वस्त्र मिले, सबको औषध मिले, ये सद्भाव है, और सबको चित्भाव ज्ञान मिले। जब हम ज्ञान के साथ अपनी वासना को जोड़ देते हैं तब वो अशुद्ध हो जाता है, और हर आदमी यही लिए लिए बैठा है। जैसे हवा तो सबकी नाक में एक होती है, सबकी नाक में वायु एक है, परंतु अपने अपने भीतर की, सिगरेट पीने वाले की सांस अलग होती है, शराब पीने वाले की सांस अलग होती है, इलायची खाने वाले की, पान का मसाला खाने वाले की सांस अलग होती है, और वायु एक है। इसी प्रकार सबके शरीर में आत्मा तो एक है, ज्ञान एक है,
लेकिन अपनी अपनी वासना की दुर्गंध और सुगंध उसमें जोड़ करके हम ज्ञान को सविशेष बना देते हैं, सोपाधिक बना देते हैं। भगवान वो ज्ञान देते हैं जहाँ आपने अपनी वासना जोड़ी। हमको ऐसा ज्ञान चाहिए, वही भगवान की ओर से आने वाला जो ज्ञान है उसमें अपनी वासना जुड़ जाती है और जुड़ जाने के कारण महाशुद्ध ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। तो भगवान के ज्ञान के प्रकाश के लिए पहले सत्संग के द्वारा, विद्या के द्वारा, सद्बुद्धि के द्वारा अपनी वासना को धोना चाहिए, तब भगवान के ज्ञान का ठीक ठीक ग्रहण होता है। ये लोग जो विदेशों में जाकर कहते हैं चाहे जो खाओ, चाहे जो पियो, चाहे जैसे रहो, ये लो हम तुमको ब्रह्म ज्ञान देते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं देते हैं। जिसको देते हैं उससे पैसा बटोरते हैं, वो पैसा बटोरने के लिए ब्रह्म ज्ञान का नाम लेते हैं, न वे ब्रह्म ज्ञान जानते हैं, न देते हैं, न उनको मिलता है। वो भी लौकिक वासना की पूर्ति का एक रूप है। जो स्वयं ब्रह्म को नहीं जानता, ज्ञान को नहीं जानता, वो अनधिकारी पुरुषों में ले जाकर बांटेगा। सुअरों के सामने मोती बिखेरना, सुअर के सिर में सिंदूर लगाना, नारायण। तो ये जो भगवान का ज्ञान होता है, ये मनुष्य के मन की जब वासना उसके साथ जुड़ती है तब वो शुद्ध नहीं रहता, कलुषित हो जाता है। इसी प्रकार भगवान सबको आनंद देते हैं, परंतु जब व्यक्तिगत भोग के साथ वो आनंद जुड़ता है तब वो आनंद भोग के द्वारा, भोग वासना के द्वारा कलुषित हो जाता है। तो भगवान का आनंद वो है जो संपूर्ण प्राणियों के लिए है, परंतु शुद्ध रूप से वहाँ प्रकट होता है जिसके हृदय में वासना की कमी है। चाहे प्राणी सात्विक हो, चाहे राजसिक हो, चाहे तामसिक हो, वो भगवान की संतान है और भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा बरसते हैं। वो एक कीड़े का भी हित करते हैं और एक चांडाल का भी हित करते हैं, एक कसाई का भी हित करते हैं, एक दुष्ट उसे दुष्ट का भी हित करते हैं। तो ये भगवान की वाणी जो गीता है, ये सब में सच्चिदानंद भाव का प्रकाश करने के लिए है, ये सबकी भलाई के लिए है। ये किसी खास जाति के लिए, ये किसी खास राष्ट्र के लिए, ये किसी खास मजहब के लिए, ये किसी खास भाषा के लिए, कुछ सीमित लोगों के लिए नहीं है। ये जो भगवान का है संपूर्ण विश्व, उस संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये भगवत वाणी गीता आई हुई है। और ये अंधे को भी मिलती है, धृतराष्ट्र को भी मिलती है, और ये युद्ध में अत्यंत व्यस्त जो योद्धा है, अर्जुन है, रोते हुए अर्जुन को मिलती है, लड़ते हुए अर्जुन को मिलती है, अंधे धृतराष्ट्र को मिलती है, जो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं उनको भी मिलती है। परंतु ये भगवत वाणी, इसका शुद्ध रूप तभी ग्रहण हो सकता है जब मनुष्य के मन में अपने व्यक्तिगत सुख भोग की, व्यक्तिगत स्वार्थ की, व्यक्तिगत अहंकार की वासना जब न हो, क्षीण हो। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम होकर भगवान की शरण में आवे और करिष्ये वचनं तव का अंत में बोले, उसके लिए ये भगवान की वाणी है। ओम शांति।